छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का चुनाव हुआ जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वहीं महासचिव के पद पर विक्रम सिसोदिया का चयन हुआ। न्यूज 24 से बातचीत के दौरान विक्रम सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश में खेल का स्तर बढ़ाने के लिए विष्णुदेव साय सरकार बेहतर काम कर रही है। खेल विभाग पूरा फोकस कर रहा है कि कई एकेडमीज बनाई जा रही हैं। अभी तीरंदाजी की एकेडमी बन चुकी है, एथलेटिक्स की एकेडमी है, तो इसी तरह से एकेडमीज बनाई जाएंगी जिससे कि हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनका और तराशा जाए और उनको नेशनल लेवल पे पहले वो मेडल लाएं और फिर न केवल कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, बल्कि ओलंपिक में भी यहाँ के खिलाड़ी जाके पार्टिसिपेट करें और मेडल्स लाएं भारत के लिए। ये हमारी प्राथमिकता है। माननीय बिजमोहन अग्रवाल जी जो सांसद हैं रायपुर के, अब वो वहाँ पर भी जो खेल और शिक्षा की कमेटी है भारत सरकार की, उसमें उनको सदस्य बनाया गया है, तो उसका लाभ हमारे स्टेट को मिलेगा। और जो केदार कश्यप जी हैं वो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, अभी उनके नेतृत्व में फॉरेस्ट गेम्स अगले महीने यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, तो न केवल खिलाड़ियों को नौकरी में सहायता मिलेगी, क्योंकि कई नियुक्तियाँ जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको नौकरी में फ़ायदा मिलेगा। फिर विजय बघेल जी दुर्ग के सांसद हैं, वो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो दुर्ग भिलाई के खिलाड़ियों को भी वो पूरा ख्याल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस एसोसिएशन में जुड़े हैं, तो हमें लगता है कि पूरे सब लोग मिल के काम करेंगे और मजबूती से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए और जो खेल के लिए पूरे फोकस रहेंगे कि छत्तीसगढ़ को इसका लाभ मिले। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।